अच्छे से कर रहे होंगे। किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो वो मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और डेली बेसिस पे उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो प्लीज ज्वाइन दैट चैनल सो दैट आपको सारे नोट्स सब मिल सके और आप अपना डाउट भी उस चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। दो तीन क्वेश्चन ही है तो आज की क्लास शायद बहुत छोटी सी ही रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद द पार्ट डिग्री एंगल रेडियन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा मेन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होगा। ओके बच्चा लोग चलो आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको समझा तो चुकी हूँ, एक बार आप लोग के लिए पढ़ लेती हूँ फिर से। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है एक सर्कल पे अगर सर्कल को कट करो फुल, एक एंड से दूसरे एंड तक जोड़ो तो उसे कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। क्योंकि रेडियस क्या होता है? सर्कल के मिडिल से उसके एंड पॉइंट तक जो लाइन जाती है दैट इज रेडियस। तो एक पूरी लाइन है 40 सेंटीमीटर की, उसका आधा कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस से जो पॉइंट जॉइन होता है उसे कहते हैं कॉर्ड। तो वो कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हमें माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, निकाल लेंगे। आ जाओ बच्चा लोग। पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, ये पूरा मैं बना के नहीं जैसे हटा दूंगी बाद में, ये पूरा होता है डायमीटर। क्या होता है ये? डायमीटर। ठीक है, समझ में आया, इसे बोलते हैं डायमीटर। तो ये क्या है? 40 सेंटीमीटर का। तो ये सेंटर से ये होता है रेडियस, तो ये इसका हाफ होता है, तो ये कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर का। ओके बच्चा, सर्कल भी हाफ हो गया। ओहो, अब ये सेंटर पॉइंट से हमने ये दो लाइंस बनाई, ये कॉर्ड बनाया इनको जॉइंट करते हुए। ठीक है, वन सेकेंड, सही से बना देती हूँ ना ये, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब ये, अब इन्होंने क्या बोला है? माइनर आर्क, जो छोटा आर्क है उसकी लेंथ आप खुद ही बताओ। ये ऊपर वाला जो सर्कल का आर्क है ये बड़ा है, ये वाला छोटा है, मतलब हमें इस आर्क की लेंथ बतानी है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो भाई अब हट जाओ, बार बार सर्कल ही हट जा रहा है। चलो, मुझे आप लोगों को जो समझाना था मैं समझा दिया, मैं दोबारा बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दो मिनट लगेंगे, हाल बच जाएगा। रेड पेन ले लेते हैं आप समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, डन। ओके जी, अब मैंने आपको क्या बोला? ध्यान से वापस मैम के डायग्राम पे नहीं देखना है, समझना है हमें कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर का हाफ दैट इज रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर का। ओके, तो अब ये सेंटर से जो पॉइंट सर्कल की लेंथ को चेक टच करता है उसे ही रेडियस कहते हैं। सेंटर से जो पॉइंट सर्कल की लेंथ को टच करता है दैट इज रेडियस। तो भाई ये 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से लेंथ को टच कर रहा है, ये भी 20। एंड कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये तो दी हुई हुई है।
अब इससे आपको क्या पता चला कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. क्यों? जब ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसका हर एंगल होगा इक्वल एंड सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री. तो जब तीनों एंगल सेम है तो हर एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री. ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60. ठीक है, ओके, ये क्लियर है आप लोगों को. अब हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ कॉर्ड. ये कॉर्ड की हमें लेंथ निकालनी है, स्मॉल कॉर्ड की. ये वाला है बड़ा कॉर्ड, हमें स्मॉल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है. लेंथ निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक है एंगल और दूसरा है रेडियस. राइट, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं. एंगल हमें चाहिए होता है रेडियन टर्म्स में, डिग्री टर्म्स में नहीं. तो यहाँ पर जो एंगल है 60 डिग्री में आ रहा है, सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रेडियन टर्म्स में. फिर हम इस कॉर्ड की लेंथ निकाल लेंगे, इस कॉर्ड की लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि यही कॉर्ड रेडियस के साथ यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ भी 60 डिग्री का ही एंगल बना रही है. ठीक है, जो कॉर्ड है मतलब क्या होता है, जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है एंड जो रेडियस है वो कितने का एंगल बना रहा है, वही तो पता चलता है रेडियन से, है ना. ओके, आप सिंपल ऐसा समझो. लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं लेंथ कैसे निकालते हैं, एंगल इनटू रेडियस. बट एंगल हमें चाहिए होता है रेडियन टर्म्स में, या 60 डिग्री है मतलब हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. रेडियस वी नो 20 सेंटीमीटर. ओके, चलो, अब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं. तो भाई 60 डिग्री कितने रेडियन होगा? 60 डिग्री होगा पाई बाय 180 इंटू 60, दैट इज पाई बाय 3. ओके, इजी है, बस ये चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है क्या. अगर नहीं दी तो हम डायरेक्टली पाई में आंसर दे सकते हैं. यस, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है, मतलब वी कैन गिव द आंसर डायरेक्टली इन पाई. ठीक है, ओके जी, अब पाई बाय 3 आ गया हमारा, क्लियर है आपको. ये है रेडियन, तो रेडियन मतलब जो एंगल है वो है पाई बाय 3. रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर का. तो 20 पाई बाय 3, ये है लेंथ ऑफ द स्मॉल आर्क. सिंपल, हाँ जी, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन. ठीक है, ओके, ये कॉर्ड है, इससे जो स्मॉल आर्क है, ये वाला आर्क स्मॉल है क्योंकि ये वाला आर्क, देखो ध्यान से, मुझे लगा आज ये कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन हाँ जी, देख लो, हाँ, लेकिन ये है बड़ा आर्क, तो हमें स्मॉल आर्क की लेंथ निकालनी है, ऐसा साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो स्मॉल आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमें एंगल चाहिए और रेडियस चाहिए. रेडियस हमें पता है, एंगल पता है 60 डिग्री, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी हर साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल इक्वल होते हैं. अब सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? 180. तो एक एंगल कितना का हो गया? 60 डिग्री. बट एंगल हमें रेडियन टर्म्स में चाहिए, तो सबसे पहले 60 डिग्री को, एंगल जो डिग्री में है उसे हमने रेडियन में कन्वर्ट किया. फिर तो बड़ा ही सिंपल है, पाई बाय 3 इंटू 20 पाई बाय 3. इसका आंसर आप पाई में बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी है. अगर क्वेश्चन में पाई इज इक्वल टू 22/7 दे दिया होता या पाई 3.14 ये दे दिया होता तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ता. ओके, सबको विजिबल है? चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पढ़ लेते हैं. इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ. अच्छा, ये बोल रहे हैं, पहले थोड़ा सा रफ में समझ लो, मैं पूरा समझाऊंगी क्वेश्चन को. ये बोल रहे हैं दो सर्कल है और आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब एक आर्क है. अब आर्क कितनी लेंथ की है? दोनों में सेम लेंथ की आर्क, अलग अलग एंगल बना रही है, एक में 60 डिग्री, एक में 75 डिग्री. मैम ये कैसे पॉसिबल है?
कि एंगल अलग अलग है पर लेंथ इक्वल है, ये कैसे पॉसिबल है बेटा? रेडियस अलग अलग होगा ना, एंगल इनटू रेडियस होता है लेंथ ऑफ द आर्क। हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुके हैं। तो जब लेंथ दोनों सर्कल्स में इक्वल है और एंगल अलग अलग है, दैट मीन्स दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग होगा। तभी तभी वो ज्यादा दूर से बना होगा, वो ज्यादा पास से, या जो भी है, रेडियस अलग अलग होगा तभी लेंथ सेम आ रही है ना? ओके, क्योंकि लेंथ सेम है, एंगल डिफरेंट है, तो क्या होगा? रेडियस अलग अलग होगा। अब हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये दिया है एक सर्कल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 75 डिग्री का, ठीक है, एट दी सेंटर, वो ही सबस्टेन एंगल सेंटर, ऑफ कोर्स, क्योंकि सेंटर से रेडियस पर जो आर्क बनती है, हमने कैसे सीखा है? जो सर्कल है सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट तक रेडियस है ना? वहां से अगर हम एक आर्क को बनाए, एक आर्क बनाए और उसे ज्वाइन करें, तो जो एंगल बनता है उसी की तो बात चल रही है ना? वही तो एंगल, वैसा ही तो एंगल बनता है, राइट राइट राइट, वही तो एंगल बनाते हैं ना हम लोग, कितने का भी हो सकता है, जितनी लेंथ ऑफ दी आर्क है। लेकिन अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है तो लेंथ ऑफ दी आर्क इक्वल्स टू रेडियन, यही सब समझा है? लेकिन अगर रेडियस अलग होता है तो लेंथ ऑफ दी आर्क इज नॉट इक्वल टू रेडियन, फिर रेडियन कुछ और होगा। रेडियन कितना होगा? जितना एंगल डिग्री में है उतना ही रेडियन होगा, है कि नहीं? रेडियन में उसे निकालना पड़ेगा। हमें सिंपल इतना पता है कि लेंथ ऑफ दी आर्क कैसे निकलती है, एंगल इंटू रेडियस से, इतना सबको पता है। रेडियन डिग्री इस सबके लॉजिक्स हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, बस आपको इतना पता है ना लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलती है, एंगल इनटू रेडियन से, बस वही, सॉरी एंगल इनटू रेडियस से वही हम करेंगे। ओके, अब इसमें क्या दिया, 60 एंड 75 डिग्री, ये मुझे देखना है। हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस, ठीक है, उसका रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल सा, मैं 60 और 75 पहले ध्यान में रख लू मैं। अरे बाबा, देखो जी, सिक्स्थ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द आर्क होता है एंगल इनटू रेडियस, ठीक है। एंगल किस टर्म्स में होना चाहिए? सबसे पहले तो रेडियन टर्म्स में, लेकिन यह एंगल किस टर्म्स में दिया है? डिग्री टर्म्स में, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल वही है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 60, दैट इज पाई बाय 3, और 75 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 75, ये भी चला जाएगा ना, हाँ 5 से हो जाएगा ना ये, राइट, 5 से करो, 5 1 15 5 3 15 35 6 36 फिर 3 5 3 13 यस, तो 5π/13 आ गया, ठीक है। ओके जी, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, इधर ही बताती हूँ, ये फर्स्ट सर्कल है, इसकी जो लेंथ है एंगल इंटू रेडियन होगा, A1 into R2, ठीक है, A1 into R1 सॉरी। और ये दूसरा सर्कल है, इसकी लेंथ है इक्वल L2, ये क्या होगा, A2 into R2, एंगल इंटू रेडियस। इतना सबको समझ में आया, विजिबल भी है, ओके। क्यों नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है? आ गया, टेंशन मत लो, आ गया आज, ठीक है, ओके, चलो आ जाओ बच्चा लोग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। चलो, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये लेंथ ऑफ द आर्क दोनों सर्कल की है। सब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहला स्टेप, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। एंगल हमें रेडियन टर्म्स में चाहिए होता है, डिग्री टर्म्स में दिया है, तो 60 डिग्री एंड 75 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, एक आ रहा है 5/3, एक आ रहा है 5π/13, क्लियर। अब एक बात बताना, क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ बोथ द आर्क्स आर इक्वल, दोनों सर्कल्स की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल है, दैट मीन्स L1 इक्वल्स टू L2 है। L1 है क्या, एंगल इंटू रेडियस, L2 है क्या, एंगल इंटू रेडियस, R1 R2 A1 A2। एंगल कितना है, हमने कितना निकाला, चलो ये तो अभी बाद में करेंगे, पहले आपको ये समझा दूं। अरे यार ये है ना,
चलो आ जाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है रेडियाई का। कैसे निकलेगा एक बात बताना। ए वन अपॉन, अगर ये चीज जो दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन में ए टू है, ये इस साइड आ गया तो डिवाइड में चला जाएगा, और आर टू, और ये आर वन यहाँ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में चला जाएगा आर वन। यही तो होता है रेशियो रेडियाई का, है ना। मतलब आर टू अपन आर वन, ये जो रेशियो है रेडियाई का, ये कैसे निकलेगा, ए वन अपॉन ए टू से। ए वन आपने निकाल लिया है फाइव, ये फाइव बाय थ्री। ए टू आपने निकाल लिया है फाइव पाई बाय थर्टीन, फाइव पाई बाय थर्टीन, थर्टीन इधर चला जाएगा ना, ये ऐसे है, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब पाई बाय थ्री इंटू थर्टीन बाय फाइव पाई, ये आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, थर्टीन अपॉन फिफ्टीन, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सिंपल, विजिबल है, एक बार देख लूं मैं। हाँ फटाफट से रिकैप करा रही, फटाफट फटाफट, सब बच्चों का कंसंट्रेशन चाहिए। बड़ा सिंपल है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, एंगल इनटू रेडियाई। एंगल डिग्री में दिया, रेडियन में कन्वर्ट किया, एंगल वन आ गया पाई बाय थ्री, एंगल टू आ गया फाइव पाई बाय थर्टीन। क्लियर? ओके मैम। लेंथ वन एंड लेंथ टू इक्वल है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया है। फर्स्ट सर्कल का जो लेंथ ऑफ द आर्क है इज इक्वल टू द सेकेंड सर्कल ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज एल वन इक्वल टू एल टू। दैट मीन्स ए वन इंटू आर वन इज इक्वल टू ए टू इंटू आर टू। ओके, यहाँ क्लियर है ये बात। अब क्या दिया है हमें, रेडियाई का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, ये देखेंगे। ए वन अगर हम ए टू को इस साइड ले जाए तो डिवाइड में आएगा, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू आर टू यहाँ है, अगर आर वन इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन। तो भाई ये रेडियो रेशियाई, सॉरी ये रेशियो रेडियाई का ही तो है, ये रेशियो रेडियस का ही तो है, आर टू अपॉन आर वन। ये रेडियो क्या बोल रही हूँ मैं बार बार, रेशियो सॉरी, ये रेशियो रेडियाई का ही तो है। ओके, ये रेशियो रेडियाई का ही तो है, आर टू अपॉन आर वन। सिंपल। अब एंगल वन कितना है भाई, पाई बाय थ्री, और एंगल टू कितना है, फाइव पाई बाय थ्री। तो डिवाइड कर दिया दोनों को, तो पाई बाय थ्री डिवाइड बाय फाइव पाई बाय थर्टीन, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, थर्टीन बाय फाइव पाई, ये तो करना आता है ना। नीचे फाइव पाई बाय थर्टीन है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई थर्टीन बाय फाइव पाई, पाई से पाई कैंसिल, थर्टीन बाय सिक्सटीन। दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई। सिंपल। हाँ बस इतने ही स्टेप का ये क्वेश्चन था। ओके क्लियर है सबको। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बढ़ते हैं उसकी तरफ। एक सेकेंड, आप लोग को विजिबल था नहीं, ठीक है। ओके द सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें एंगल किसमें निकालना है जी, रेडियन में, डिग्री में नहीं, ठीक है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम देखा टिंग टिंग ऐसे चलता है ना, वो होता है पेंडुलम स्विंग। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। अच्छा देखो ध्यान से, ऐसा पेंडुलम होता है, इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, तो इसकी जो टिप है उससे ये आर्क बनता है ना, समझे। देखो फिर से बनाती हूँ, देखो जी ये होता है पेंडुलम, ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट तक, और फिर इस लेंथ से ये इस तरफ चलता है, ट्रिंग इस दर घुमा, फिर ऐसे घूमता है ना, टिंग टिंग ऐसा घूमता है ना, फिर यहाँ सेंटर पे आके वापस से ऐसे घुमा, ठीक है। तो इस ये बन गया एक आर्क, ठीक है जी, कला कर देते हैं इसको ताकि ये अच्छा दिखने लगे। ओके अब इसमें देखो ध्यान से, पहले सबको विजिबल है, हाँ अब इसके अंदर देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दो मिनट में हो जाएगा, बस ये देखो पेंडुलम की लेंथ 75 है, ये है पेंडुलम की लेंथ। ओके हमें रेडियन मतलब हमें ये कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है, बट ये एंगल हमें रेडियन टर्म्स में निकालना है, ठीक है, डिग्री टर्म्स में नहीं। ओके और टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ,
मतलब इसकी लेंथ अलग अलग ऑप्शन दिया है। पहला है कि इसकी जो लेंथ है ऑफ द आर्क वो 10 सेंटीमीटर है, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कि 15 है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि 27 है। इतना सिंपल क्वेश्चन, इसको बोलेंगे रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या होता है, जो आर्क बनती है सेंटर से वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वही तो होता है रेडियस। जैसे सर्कल है, सर्कल में सेंटर से आर्क बनाएंगे ये वहां तक की लेंथ, दैट इज रेडियस। ठीक है ओ भाई, ओके ठीक है। तो रेडियस हमें पता है, पेंडुलम बड़ा कितना है 75 सेंटीमीटर का है, और कितनी लेंथ तक वो घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम, देखो ये पेंडुलम है, इसे ले लेते हैं पेंडुलम, कितना है ये पेंडुलम 75 सेंटीमीटर का पेंडुलम है ये, इसकी लेंथ, और ये कैसे घूम रहा है, ऐसे और ऐसे घूमता है, तो ऐसे और ऐसे घूमने में इसने एक आर्क बनाया, वो कितनी लेंथ का आर्क बन रहा है, अलग अलग दिया हुआ है 10, फिर 15, फिर 21। अब आपको हर आर्क की लेंथ पर एंगल बताना है कितने का बनेगा, पर वो एंगल रेडियन में बताना है, तो रेडियन में ही तो निकलेगा, क्योंकि एंगल इनटू रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, और एंगल वहां पे कौन सा होता है, रेडियन वाला। तो सिंपल, अब जैसे मैं फर्स्ट करके दिखाती हूँ, लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, लेंथ अगर हम 10 सेंटीमीटर लें, ठीक है, एंगल हमें नहीं दिया है, ये दिया है 75, तो सिंपल 10/75 ये आ गया एंगल रेडियन टर्म्स में। सेकंड कर देते हैं, हाँ बस इतना इजी ही है ये, अगर लेंथ 15 है, रेडियस थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वो तो 75 ही है, तो 15/75 इज इक्वल्स टू एंगल रेडियन टर्म्स में, ये तो कट भी जाएगा, ये भी कटेगा, 5 2 5 1 5 7 5 15 5 3 ना 25, 5 5 15, ये आ गया 2/15, ठीक है, ये भी कट जाएगा, 15 5 75 1 2 75 राइट 15 5, ये आ गया 1/5, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, एक सेकंड ध्यान से, विजिबल नहीं है आप लोग को ना बच्चा, ओके चलो समझ में आ गया, रेडियन रेडियस दोनों चीजें, पेंडुलम की लेंथ, पेंडुलम कितना बड़ा है 75 का, और वो ऐसे और ऐसे घूमता है, तो एक आर्क बनाता है, ऐसे ऐसे घुमा और ऐसे घूमता है तो एक आर्क बनाता है, उसकी लेंथ जो है वो अलग अलग है, पहले केस में उसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है रेडियन कितना है, मतलब हमें एंगल बताना है, लेकिन रेडियन टर्म्स में, तो हम कर चुके हैं, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, ओके रेडियस हमें पता है 75 का, एंगल हमें निकालना है, लेंथ हमें दी है 10, तो 10/75, अगर 15 दिया है तो 15/75, सिंपल, और ये रेडियन टर्म्स में ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल यूज ही रेडियन टर्म्स वाला होता है, ये तो सबको पता है आप लोगों को, बहुत अच्छे से हम इस चीज को समझ चुके हैं, है कि नहीं, ठीक है। और ये रेडियस है क्योंकि ये सेंटर से ही, सेंटर की लेंथ से ये पेंडुलम इतना आर्क बना रहा है, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा, राइट। तो सेंटर पॉइंट से जो चीज जहां लेंथ पे टच करती है उसी को तो रेडियस बोलते हैं, तो ये कितना लंबा है ये पेंडुलम 75 सेंटीमीटर का है, दैट्स व्हाई इट इज रेडियस, वी आर टेकिंग इट एज रेडियस, ठीक है। थर्ड वाला था 21 सेंटीमीटर ना लेंथ, ये लो जी ये है एंगल, अगर कट सकता है तो आप काट के बता दीजिए ना, अगर ये कट सकता है तो आप काट के दिखा सकते हैं, वैसे ये हाँ ओके ये आ गए तीनों, हाँ बस इतना ही सिंपल ये क्वेश्चन था, एंड दैट्स अ रैप। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 के सारे कंसेप्ट्स विद क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हमारा ट्रिग्नोमेट्री, लाइक मेन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, ओके बच्चा, ओके सब लोगों को, चलो बाय बाय। और प्लीज अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो, ताकि आप जैसा हर स्टूडेंट इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।